हाँ जी, नरेश सुदेरा जी। हाँ जी, नमस्ते जी जी सबको। कैसे हो जी आप सब? नमस्ते। जी बढ़िया जी, बताएं नरेश जी, बताएं। जी मैं डिबेट सुन रहा था और मेरे फ्रेंड ने सुजेस्ट किया आपका चैनल, कहते कि अच्छा वहाँ जी, पे अच्छा जाइए। और मैं पहली बार कोई किसी तरह की डिबेट में शामिल हुआ हूँ, तो वो मुझे बता रहा था कि आप सनातन धर्म को नहीं मानते और कह रहे हो कि ऐसा कोई धर्म था नहीं। राइट है, ऐसे ही है? इस टॉपिक पे बात चल रही है कि कोई और टॉपिक है? सर, आप जिस टॉपिक पे कहेंगे उस पे बात कर लेंगे। आप तो बताइए कि आप सनातन धर्मी है ना, हिंदू धर्म वाले है ना। हाँ, मैं मानता हूँ जी। अब कोई क्या पूछना चाहते हो जी अच्छा, तो आप ये आपका? मानते जी हैं हाँ ना, आप जी लोग बात कीजिएगा ना, मैं आप पैनल पे रखिए मेरे को, मैं बाद में ज्वाइन हाँ करूंगा। जी। हाँ तो सर, आप ये मानते हैं कि हमारा जो धर्म है सनातन, आपका, आप कहते हो कि आपका जो सनातन धर्म है वो साइंटिफिक है, उसमें जी कुछ भी गलत नहीं लिखा है, आप ये मानते हो? देखिए, अगर मैं धर्म की बात करूं, मैं एक्चुअली मैं अपने अपने आपको अपने बारे में बता देता हूं। पहले मैं धर्म के बारे में बाद में बात करूंगा, पहले मैं अपनी नहीं इंट्रोडक्शन दे सर, देता धर्म हूं। की बात हो रही है। धर्म हाँ की बात हो नहीं रही है। नहीं मैं अपनी इंट्रोडक्शन इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि आपको पता लग जाए कि मैं किस तरह की बुक्स या किस तरह की नॉलेज रखता हूँ या मेरी एजुकेशन क्या है, ताकि मुझे आपको भी पता लगे ना मेरी एजुकेशन क्या है। ठीक है, मैं धर्म आध्यात्मिक प्रैक्टिस करता हूँ। आध्यात्मिक जानता हूँ ना, स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल जो प्रैक्टिस करते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता हूँ। तो मैं जब भी कभी कोई आंसर दे किसी को देता हूँ तो स्पिरिचुअल के बेस पे आंसर देता हूँ। ठीक है, तो आप मुझे पूछिए जो पूछना चाहते हैं, तो मैं स्पिरिचुअल के आधार पे ही उसका आंसर दूंगा। जो रॉन्ग और राइट के बेस पे ही देता हूँ आंसर, मैं कोई किताबों में जैसे कि लिखा हुआ है वैसे उस बेस पे नहीं देता। तो आप उसी मुझे पूछिए, मैं उसी बेस पे आंसर दूंगा। मेरी किसी भी पर्टिकुलर किसी पर्सन से कोई दुश्मनी नहीं है कि हाँ मेरे को ये है, मैंने वैसे राइट और रॉन्ग के बेस पे आंसर देना है। तो मुझे पूछिए, आप क्या सनातन धर्म के बारे में पहला क्वेश्चन ये पूछ रहे थे ना कि आप सनातन धर्म में आस्था रखते हो, राइट? यही है ना आपका क्वेश्चन? तो मैं क्यों रखता हूँ ये आस्था, ये साइंटिफिकली प्रूफ है कि नहीं है? हाँ, इसमें काफी सारी चीजें जो हैं साइंटिफिकली है, बहुत सारी चीजें नहीं, साइंटिफिकली है देखिए देखिए, दरअसल चलिए, जी। आपने जो बताया ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। जी देखो बात यह है नरेंद्र सुदेरा जी, पहले नरेश तो आज नरेश की हाँ, नरेश सुदेरा जी, सॉरी नरेंद्र हाँ बोल जी दिया मैंने। जी हाँ कोई बात तो नहीं। देखिए नरेश नरेश जी, आज के टॉपिक पे ही बात कर लेते हैं। आपने अपनी मान्यता बताई वो ठीक है। आज का जो ठीक है, टॉपिक था उस पे अगर आप बात करना चाहो तो उस पे कर लेंगे, वरना आपने जो हाँ कहा हाँ कि आप हर कर चीज का लीजिए स्पिरिचुअल, आप हर चीज को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ के तब जवाब दोगे, तो हाँ वो एक अलग मुद्दा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इससे हटके भी बात कर सकते हैं, जैसे आपने कहा, अच्छा आप धर्म ग्रंथों को तो मानते होंगे ना। धर्म ग्रंथ जो जो आज की डेट में काफी सारे ग्रंथ ना वो एडिटिंग है, वो कुछ बेकार से, मीन्स जो उनकी अच्छा तो आप टीकाकरण ये है ना बता वो दीजिए, बेकार चलिए किया हुआ जी। अच्छा बेकार किया है, तो आप सर, हाँ आप ऐसा, आपको लगता है कि आपके धर्म के कोई ऐसे ग्रंथ बचे हैं जो आज बिल्कुल ही जैसे के तैसे पड़े हैं, उनमें कोई कोई भी मिलावट नहीं है बचा ऐसा कुछ, या सब में मिलावट होगी? 100% कहना मुश्किल है, पर जो जो मेरे मैं अभी रीड कर रहा हूँ वो सबसे काफी अच्छा जो है वो है उपनिषद। उपनिषद शायद आपने सुने होंगे, उपनिषद जो है वो काफी ट्रू है, काफी अच्छे हैं। मैं उसमें किसी भी देवी देवता का अभी तक तो जिक्र आया नहीं है। ठीक है, और वो सिर्फ परमात्मा के बारे में जिक्र करते हैं, निराकार परमात्मा, और अपने मन को कैसे साफ करना है, अपने चित्त को कैसे साफ करना है, और कैसे योग और ध्यान। योग और ध्यान को मैं पर्सनली बहुत अच्छा मानता हूँ। ठीक है, और आप उसके टॉपिक में भी बात करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर हाँ, मैं अगर कुछ आपके कहना चाहता हूँ आजाद जी। हाँ जी जी हाँ जारविस सर बोलिए। सर, आप मानते हैं कि स्पिरिचुअल नॉलेज जो है वो उपनिषद से है, राइट? हाँ मैं मानता हूँ काफी है उसमें जी। आपने खुद उपनिषद पढ़े हैं? हाँ अभी मैं पढ़ रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ। ओके, कौन कौन से किए सर? मैंने कठोपनिषद किया है, ठीक है, ओके और योग दर्शन मेरा चल रहा है, ब्रह्म सूत्र भी मैं अभी रीड कर रहा हूँ, वो भी चल रहा है मेरा। ठीक है, और इसके अलावा और एक और उपनिषद है, और वो मैंने अभी एक दो उसके देख दो पेज ही पढ़े हैं। ठीक है।
वही जी वो हमारे न्यूटन महाराज आपके पास स्कैन, एक मिनट हाँ, एक कॉल आ गया है। कौन सा निकालूं न्यूटन बताइए। जी आपके पास पढ़ा है उपनिषद पे मटेरियल, इनको अरे दिखाते पढ़ा हैं। है ना जारविस जी, हाँ बताइए। तो लेकिन उपनिषद वाले उपनिषद का खोल देखा ले ही ना, ना ये हमने। उपनिषद को मानते हैं ना, उपनिषद को खोल दीजिए, कोई भी उपनिषद न्यूटन जी। आप कोई कुछ किसी भी टॉपिक की बात कर सकते हो, पंडित के टॉपिक पे भी बात कर सकते हो उस अच्छा, आप वहां पे। छांदोग्य उपनिषद के बारे में जानते हैं? नहीं शांडोक उपनिषद अभी मैंने पढ़ा नहीं है। मैं शेयर कर आप कोई देता को हूँ। आप ना आप मेरी बात सुनिए, आप उपनिषद के किसी भी आप क्वेश्चन आंसर कीजिए, और उपनिषद वो कौन सा उपनिषद पढ़ा कि नहीं पढ़ा ये थोड़ा सा अलग टॉपिक हो जाएगा। फिर आप क्वेश्चन आंसर कीजिए, जो क्वेश्चन करना चाहते हो वो क्वेश्चन कीजिए। आप ठीक है किसी भी न्यूटन कोई प्रथा है, कोई जी, आप प्रथा के तैयारी ऊपर करिए कोई, तब तक। या आप अगर किसी प्रथा के ऊपर बात करना चाहते हो कि ये प्रथा पहले चलती थी, अब ये गलत थी या सही थी, उसके टॉपिक भी बात कर सकते हो। आज के टाइम में क्या चल रहा है उसके टॉपिक भी बात कर सकते हो कि, और ये सारी हम टॉपिक मैं करेंगे, आपको खोल देता हूँ। आप ही सब ऑप्शन ना दे दें, हम भी कुछ हाँ देंगे। हाँ आप जरा बिल्कुल ये देखिए, जो हमारे न्यूटन महाराज ने शेयर किया। सर ये कौन सी बुक है, उपनिषद से है कि फिर बालों की भीत पे है? ऐतरीय उपनिषद, ये उपनिषद की किताब है ना बड़ी हाँ वाली। मतलब उपनिषद बाय सुरेंद्र कुमार शर्मा ना। ठीक हाँ, सेम सेम है चलिए सर पढ़िए, ये ऐतरेय उपनिषद है। इसका पेज जी नंबर जी बता देंगे मुझे? दो श्लोक, ये अध्याय नंबर दो ये और ये चैप्टर नंबर तो वन और सन श्लोक नंबर 196 से शायद शुरू हो वन। रहा है, और हाँ ये ऐतरेय है उपनिषद का द्वितीय द्वितीय अध्याय अध्याय। प्रथम खंड। ओके हाँ चलिए सर पढ़े, जी, आप ही पढ़े। तो जी इस खंड में गर्भ के बारे में कुछ बातें हैं, जिसमें एक दम निरर्थक और भात है। तो कहा है कि पहले भ्रांत, पुरुष के शरीर में भात नहीं, भ्रांत, 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 भ्रांत। सॉरी मैं वो मेरे थोड़ी एक मिनट, मैं थोड़ी कोई सा बात वो नहीं सर, कोई ब्राइटनेस कर आप लूँ, पढ़ मैं थोड़ा लीजिए सा जरवी जी, पढ़ना क्वेश्चन पड़ा। आंसर आंसर ठीक है लिमिटेशन, इट्स क्या फाइन, आता बट भात और है भ्रांत का मतलब अलग होता है ना, इसलिए मुझे मैंने बताया। जरवी जी, आप कोई पढ़ बात नहीं, दीजिए कोई फिर बात हम नहीं। क्वेश्चन आंसर कर ठीक लेंगे। है, पहले पुरुष के शरीर में गर्भ बनता है, ठीक है, यह सरासर गलत धारणा है। इस पे लिपा पोती करने वाले कहते हैं कि पुरुष के शरीर में वीर्य रूप में गर्भ बनता है, अर्थात वह वीर्य गर्भ ही है। यह पहली वीर ही है। भ्रांत धारणा है। हाँ हाँ भ्रांत धारणा है कि धारणा से, यह पहली भ्रांत धारणा से भी ज्यादा भारत है। उपनिषेदों उपनिषेद करो करो के सा के पास तो ज्ञान प्राप्ति के आधुनिक साधनों का अभाव था, परंतु ये लिपापोती करने वाले तो सही स्थिति समझ सकते हैं, किसी डॉक्टर से पूछ लेना। तो आप ये कहना चाहते हो, अभी चलो मैं क्वेश्चन को समझ ही गया हूँ, आप ये कहना चाहते हो कि जो पुरुष है वो इनके इनके पास प्रूफ नहीं थे कि जिन्होंने लिखा हुआ है, ये उपनिषद लिखे हैं उनके पास प्रूफ नहीं थे कि ये चीज़ें मेरे साबित कर सकते, भाई, राइट? यहाँ पर ये लिखा है पहले पुरुष के शरीर में गर्भ बनता है, ये आया है ऐतरीय हाँ उपनिषद द्वितीय अध्याय पहला खंड पहला श्लोक। तो आप मुझे जी जी बताइए कि बिल्कुल। पुरुष के शरीर में गर्भ कैसे बनेगा पहले, कि तो उपनिषद में हाँ आया ये उपनिषद में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे, बहुत राइट क्वेश्चन है। तो आप जय, मैं इसके क्वेश्चन का थोड़ा लॉजिकल आंसर देता हूँ, ठीक है? मुझे लॉजिकल वे में बात करना अच्छा लगता है, ठीक है? मैं वो थोड़ा सा काल्पनिक बातें नहीं अच्छी लगती मुझे। तो पहली बात तो ये है कि एक लेडीज कभी भी बच्चे को जन्म नहीं देती। बच्चे का बच्चा जो है एक पुरुष के शरीर में शुक्राणु, एक मिनट सुन लीजिए, बात सुन लीजिए पूरी, पुरुष के शरीर में शुक्राणु के तौर पे बच्चा अंदर चला जाता है, बनता है, ठीक है? वो जो उसका जो स्पर्म्स होता है वो गर्भ ये में पढ़ जाता लो ना है आगे वो। हाँ आगे, हाँ ये आगे पढ़ लो ना, ये क्या लिखा है, देखिए हाँ न्यूटन जी इनकी ये क्या सुन तो लो लिखा यार, ये कितनी इंटरेस्टिंग चीज बता रहे हैं, मेरे को भी यार ये नया बायोलॉजी सीखने को मिल रहा है, सुन लो इनसे यार। है। हाँ हाँ बताइए ये बताइए लीपा पोती कर रहे हैं जी ना जी ये। हाँ चलिए बताइए, चलिए। अरे सुनिए 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 सुनिए, मेरी बात हाँ को ना पूरा चलिए, सुनिए। अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? नहीं आगे पहले मेरा साइंटिफिक पांच, एक्सप्लेनेशन इसी किताब में दिया हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा था। चलिए आप बोल कोई बात लीजिए। नहीं, कोई बात नहीं, हाँ कोई बात बोलिए नहीं, बोलिए, आप कोई बात बोलिए, नहीं, आप कोई बात कैसे नहीं, ठीक कैसे है? बच्चा बनता है पुरुष के शरीर में पहले थोड़ा। अरे वो स्पम्स, स्पम्स आपको पता ही है, स्पम्स तैयार होता है बच्चे के, जब स्पम्स है वो ही बाद में बच्चे का डीएनए बनता है, ठीक है ना? नरेश जी सॉरी,
मुझे बीच में एक बार आपको काटना पड़ेगा। आपने बोला मुझे जी जी लॉजिक से आंसर देने अच्छे लगते हैं, मुझे हाँ लॉजिकल रहना अच्छा लगता है। सिर्फ ठीक है ठीक है, आप आंसर दे दीजिए। आपकी जानकारी के लिए सिर्फ मैं लॉजिक की डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ गूगल से। लॉजिक इज द स्टडी ऑफ करेक्ट रीजनिंग, इन्वर्टेड कोमा, करेक्ट रीजनिंग। इट इंक्लूड्स बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लॉजिक। फॉर्मल लॉजिक इज द साइंस ऑफ डिडक्टिवली वैलिड इंफरेंसेस और लॉजिकल ट्रूथ्स। मतलब आपको यहाँ साइंटिफिक स्टडी या फिर जिसकी कोई थियरी भी हो और वो प्रूव कर सके, सिर्फ बातें गढ़ना नहीं, लॉजिकल रीजन सॉरी करेक्ट रीजनिंग की बात की है। सिर्फ बातों की चाशनी या जलेबियां नहीं छाननी है। आपने बोला लॉजिकली बात करना चाहता हूं, तो ऐसी चीजें बताइएगा जो एक ह्यूमन डेवलप माइंड एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, आगे करिए। अब आप अपनी बात नहीं आगे नहीं चालू रखिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आप ये चीज, मेरी बात सुनिए, क्या आप ये चीज तो मानते हो ना कि एक सीमन से ही बच्चे का जन्म होता है, राइट? ये चीज हाँ तो तो उसको मानते हो गर्भ नहीं कि बोलते इसमें भी ना सर, गर्भ तो जब गर्भ? नहीं, मेरी बात ओवम, सुनिए, सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात ओवम, सुनिए। सर आपकी हाँ नहीं सुनेंगे ना। यहाँ पे लिखा नहीं, है कि गर्भ पहले पुरुष के शरीर में बनता है, जबकि पागल से पागल मतलब डंगर से डंगर इंसान को पता है, मूर्ख से मूर्ख इंसान को पता है कि जब एक तक किताब ओवम, अरे बीच अरे में इंटरप्ट सर, मत करो यार, बीच में जब इंटरप्ट मत तक करो यार। ओवम के साथ स्पर्म नहीं मिलता और उसको एंट्री नहीं देता ओवम, तब तक वो फीटस में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ ये बात गलत है, उसको एक्सेप्ट करिए। अपने धर्म को, अपने बिलीफ को, अपना ईगो मत बनाइए, वरना आप सच को कभी अरे साक्षात्कार ठीक है नहीं ठीक कर है, पाएंगे सच का। अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये किताब का कौन राइटर कौन सा पहले ये बताइए, क्योंकि हम सिर्फ ओ गीता बाप रे, उपनिषद के ही बारे में एक पढ़ते हैं मिनट, और नहीं कोई, एक सिर्फ सेकंड गीता सर, एक उपनिषद। नहीं नहीं सेकंड, नहीं अगर आपने बुक्स निकालनी है ना तो गीता गीता प्रेस की निकालिए, और नहीं कोई, और नहीं कोई, और नहीं चलेगी, क्योंकि वो हम किसी को ट्रेड मानते नहीं है, गीता प्रेस को सबसे अच्छा मुझे ये मानते बात हैं। पता ही है था, गीता प्रेस को हाँ मानते हैं। रुकिए यार, सर फिर गीता प्रेस की गीता निकालते प्रेस हैं आप, निकालिए ये ना आप, गीता ये प्रेस की हमें इस और निकालता को हूँ मानते नहीं है। आजाद जी। एक सेकंड, ऐतरेय उपनिषद ये है, दूसरा खंड सॉरी पहला टू अध्याय वन वन पहला, उसका श्लोक है। हाँ, द्वितीय अध्याय का पहला खंड और उसका पहला श्लोक है, वही श्लोक आप इनको गीता प्रेस गोरखपुर के ऐतरेय उपनिषद से दिखा दीजिए। हाँ मतलब एग्जैक्टली गीता प्रेस से निकाली, क्योंकि हम हाँ, गीता प्रेस की किताबें पढ़ते हैं और नहीं कोई। आपकी तो जलेबी भी नुकीली है आपके पिक्चर की तरह ही। सर नहीं नहीं सारे नहीं हमारे पास जितने रेफरेंस है इतने पक्के हैं ना, कि अगर आप इसी तरह काटने लगे ना, तो मुझे लगता है एक दिन आपको सारे ग्रंथ जलाने पड़ेंगे। नॉली, मैं कह रहा हूँ, मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ, अगर आप गीता प्रेस से निकालोगे ना तो मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि मैं इसको नहीं एग्री करता। ठीक है, अब गीता प्रेस से निकालिए। ठीक है सर सर, गीता बहुत प्रेस की बड़ा, मैं तो, बहुत मैं बड़ा पर्सनली स्टेटमेंट दे गीता रहे हो प्रेस आप। की किताबें पढ़ता हूँ। ठीक हाँ तो है, गीता और मैं प्रेस, चलो चलो, अब अभी 2 मिनट के लिए सर, 2 मिनट के लिए ना आप शांत रहिए और मैं आपको ना आंसर, पहले अरे आंसर दे बस देता हो हूँ गया, कि बस बस यार, अब गीता प्रेस का दिखाता हूँ आपको ना, गीता गीता प्रेस प्रेस का निकाल लीजिए। दिखाता। चलो हाँ गीता प्रेस देखो भैया, ये है गीता प्रेस की वाल्मीकि रामायण। ठीक है, देखिए ये अरण्य कांड सर्ग 46 है, वाल्मीकि रामायण है और गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित है। इसका पेज नंबर 662 है, मतलब 662 पेज है। आपको अगर आपके पास गीता प्रेस गोरखपुर की वाल्मीकि रामायण पड़ी है तो आप उठा के खोल लीजिए, 662 पेज, या फिर पेज इधर उधर होता है तो अरण्य कांड सर्ग 46 का श्लोक नंबर। अब मैं ले चलता हूं, ठीक है। और जी अब आपसे पढ़वाता हूं ना सर, अब हिंदी ठीक से तो पढ़ ही लेते ना सर। हाँ, मेरे को थोड़ा स्क्रीन दिखनी है, मैं जूम करना पड़ेगा, मुझे मोबाइल पे अच्छा चलाना है ना। वो मैं हाँ जूम कर देता हूँ, आजाद चलिए स्क्रीन मैं, सही कर लो। चलिए मैं स्क्रीन सही कर जी लेता हूँ, एक मिनट। स्क्रीन, हाँ सर स्क्रीन अब दिख रहा है। ये श्लोक नंबर है सर 18, सर्ग अरण्य जी कांड सर्ग 46 का श्लोक नंबर है 18। अब तो आपको स्क्रीन दिख रहा जी होगा सर, ये देखिए श्लोक भी आपको दिख रहा है तो विशाले बिमले नेत्रे, ठीक है ये आपको दिख ही रहा होगा। अब इसका हिंदी अनुवाद सर जो, हाँ ये पकड़े, तुम्हारे दांत पढ़िए बराबर सर। हैं कि अगर भाग, एक मिनट यार, एक स्क्रीन आपने वो की नहीं है थोड़ा सा, कैसी एक नहीं की मिनट। सर, पूरा जूम कर दिया, अब क्या करूं अब ठीक है आगे ठीक से। है ठीक है, मैंने ओपन कर लिया। तुम्हारे अगर तुम्हारे दांत बराबर हैं
और उनके ले और अगर बड़ी कर दी। भाग कुंदी की और कलियों के पढ़ो समान ना। शोभा पाते हैं, ये सब के सब चिकने और सफेद हैं, तुम्हारे दोनों आंखें बड़ी बड़ी सर हैं और इसको निर्मल ऐसे हैं, नहीं पढ़ते उनके दोनों सर। कारी नरेश हैं। पढ़ेगा जी, यार, मैं आपके लिए, मैं चलिए आपके लिए पढ़ने पढ़ दीजिए। देता हूँ, अगर मैं भाग आपके लिए विशाल पढ़ देता पूर्ण हूँ सर, मौसम श्लोक भी है दिखाइए और साथ दोनों में, जंघे श्लोक दिखाइए। हाथी के सूंडों के समान शोभित पाते हैं। हाँ ठीक, जरवे सर आप पढ़ क्या दीजिए, आगे आप बढ़। पढ़ दीजिए यहाँ से, हाँ पढ़ हाँ नरेश आप जी, पढ़ अभी ये दीजिए यहाँ श्लोक से मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। आगे वाला। एता वुपचितो वृतो संहतो संप्रगल्भितो पिन्नो नत्मुखो कांतो स्निग्धताल फलोपमो मणिप्रवे का वर्णो रुचिरो ते पयोधरो। क्वेश्चन चलो अब पूछिए इसको सर, यहीं पे खत्म क्या करना पड़ेगा। क्या रुकिए क्वेश्चन आप, पूछना पहले चाहते हैं? सुन मैंने लो पढ़ ना लिया वो क्वेश्चन। मैटर, पढ़ लिया अरे मैटर, पहले मैटर पढ़ सुन लिया लो, सुन क्वेश्चन लो, सुन पूछिए। लो, भाई पूरा सुन लो, मुझे पूरा सुन साउंड लो। इफेक्ट चाहिए हाँ साथ में आ जा, ठीक है? दिख ही नहीं रहा मेरे को, कुछ हाँ यहाँ पे स्क्रीन में तुम्हारे, आ ही नहीं रहा कुछ भी। तो आप अरे आएगा रिफ्रेश ना, करिए आपकी, मुझे पढ़ने में दिख आइए रहा है। आइए आएगा ना आएगा। तुम्हारे ये दोनों धन, सॉरी धन नहीं, स्तन पुष्ट गोलाकार परस्पर सटे हुए, प्रगल्भ मोटे उठे हुए मुख वाले, कमनीय चिकने ताड़ फल समान आकार वाले, परम सुंदर और श्रेष्ठ मणिमय आभूषणों से विभूषित है। ये क्या लिखा है, बाय गॉड, गीता प्रेस है कि क्या है ये? क्या है अटैक आ गया क्या नरेश जी? हेलो भाई साहब। नरेश जी, आप बताओ ये क्या है नरेश जी। हाँ, चलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आगे आगे बढ़ाइए, मैंने जैसे आगे पहले बढ़ाइए, श्लोक संस्कृत का बढ़ा श्लोक दिए। पढ़ा, वैसे अगर कोई ब्राह्मण आपके सामने पढ़ दे ना, तो आपको लगेगा अरे वाह, ये तो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है, कितना अच्छा अच्छा बोल रहा है। लेकिन कभी आपने उसका भाषांतर पढ़ा है? ये कैसी बातें चल रही है, सीता जी हमारी माँ के समान है, मैं एक लेडी के बतौर उनको सम्मान देना चाहता हूँ और उनके लिए ऐसी बातें लिखी जाती है सर। ये किसके लिखी हुई है बात? क्योंकि मैंने सीता देखो जी के रामायण पढ़ी लिए, नहीं है, मैंने रामायण वाल्मीकि, नहीं पढ़ी, मैं वाल्मीकि यूनिवर्सिटी वाल्मीकि पढ़ता वाल्मीकि हूँ, अभी रामायण है। रामायण से भागेंगे। वाल्मीकि रामायण मैंने पढ़ी नहीं, हाँ वाल्मीकि रामायण मैंने पढ़ी नहीं हाँ है। तो ये किसके बारे में आप लिखा हुआ है पढ़े पहले क्या ये हो तो सर, बताइए। वो बता दो, आप क्या पढ़े हो वो बता दो, वो हम पढ़ देते हैं यहाँ पे। चलो यही बता दो आप क्या पढ़े हो। यार ये ताड़ फल वाल फल जो अपने नहीं पढ़े, तो आप जो 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 पढ़ा पढ़े वो है बता दे चलो। वो हमें बता दीजिए ना, हम वो पढ़ देंगे। हाँ वो पढ़ देंगे। आपके क्या वाह हो कट गया रही सर, है, आप लोग क्या आवाज कहते कटेगी हैं, सर, अब आप जानबूझ के आवाज अंडरग्राउंड जा रहे हैं, जा रहे कटने हैं लगी। आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लीजिए सर। नहीं 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 क्या? नहीं मैं ऐसे भागता हूँ सर जी, मैं ऐसे भागता नहीं हूँ, मैं ऐसी चीजों से हाँ बिल्कुल तो नहीं पहले भागता, पहले पहले नेटवर्क ढूंढ ठीक लीजिए, है? आप मैं ऐसे नेटवर्क ढूंढ क्वेश्चनों से लीजिए। बिल्कुल नहीं भागता। अरे सर आ गई यार आ ये गई, क्या अब आ गई बात, आवाज, नीचे आ वाईफाई के पास आ आ, गए मैं आ गया वाईफाई के पास आ गया, आ गई आ गई आ गई मेरे, आपकी आवाज आ गई। अब पूछिए, अब तो पहले तो बात कट रही थी, ये मैं ऊपर चल टेस्ट में आपका देख रहा ने हूँ आपका आपका नेटवर्क जी। प्रॉब्लम है ना सर, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है सर। तो अब क्या बताऊं सर आपको, ये बताओ आप। आप क्वेश्चन पूछिए सर, आप अगर आपको रामायण के कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो रामायण क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको ये नहीं कह रहा, आप बस ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट क्या है क्वेश्चन सर पूछ लीजिए ये मेरे से, क्योंकि रामायण मैंने में? कोई रामायण अच्छा एक देखा। काम करो ना आजाद, आजाद एक काम करो, ये हाँ बोल रहे क्वेश्चन पूछो, पूछो डायरेक्टली पूछो सर, बुरा तो नहीं मानोगे? हाँ मुझे कह रहे हो, हाँ आप ही बोले जा रहे हो बार मुझे बार कह मेरे रहे से, हो, क्वेश्चन पूछो क्वेश्चन पूछो, तो मैं पूछ लूँ ना। ओ भैया कहाँ चले जाते हैं यार। अच्छा मैं तैतरी, ये जो मैंने जो रेफरेंस दिया था अभी उपनिषद का, वो मुझे बाकी वेबसाइट से भी मिल गया, अगर ये बोलेंगे तो मैं वो भी शो कर दूंगा। हाँ आप उसको शो अच्छा कीजिएगा न्यूटन सर, इनकी शो बस की जाए, आवाज आ जाए थोड़ा, और ये बता दें कि पूछूं कि नहीं पूछूं भाई। हाँ यार नरेश भाई यार इनकी तो आवाज ही चली गई, गलत बात है ना यार।
यार आपका नेटवर्क हाँ भी ठीक हमने नहीं है। जबान, नहीं हमने नहीं, सॉरी, वाल्मीकि जी ने जबान खींच ली। जबान की चली यार, इनकी जबान कट गई रे मोरी तो। मुंह कड़ी आवाज आ कर रही है मेरी लो। आपको? हाँ अब आई, अब आई। आगे, आगे। हाँ पर एक्चुअली क्या है कि आपने जो क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, मैं फैमिली में बैठा हुआ था, वो ऐसा क्वेश्चन का मैं जवाब नहीं दे सकता। आप मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछिए, सॉरी देखिए मैं आपको बताता हूँ। सॉरी, मैं चलो सॉरी सॉरी सॉरी, ये आपका धर्म है चलिए देखो, ये धर्म, आप फैमिली के अब सामने अपने धर्म के बारे में बात नहीं कर सकते, ये हाल है। चलो अब मैं डायरेक्ट अरे क्वेश्चन आपसे लेडीज पूछ के रहा हूँ, सामने बैठा यार, मतलब लेडीज के सामने ऐसी बातें नहीं कर चलिए सकते, ऐसे चलिए। क्वेश्चन का अरे आंसर नहीं दे सकते ना फैमिली में बैठे। ठीक है, तो अरे मेरे सर एक समझ गए, अरे जी एक्सप्रेस ट्रेन। सुनो सर मेरे प्यारे भैया, आपने जी कहा जी मेरे से बोलिए। तुम हाँ डायरेक्ट सवाल पूछ लो, पूछ लो। डायरेक्टर पूछिए, डायरेक्ट पूछिए। पता है मैंने अब कोई आप रामायण नहीं पढ़ी, एक मैंने मिनट, रामायण पढ़ी अरे नहीं कभी। भाई, हाँ अरे यार हाँ सर एक पूछिए। मिनट, आपने नहीं पढ़ी अभी, जारविस सर आपको पढ़ के सुनाए, लेकिन ठीक है। और आप नहीं खुद ही नहीं बोल रहे हो नहीं कि अब नहीं मैं मेरी बात ऐसी जगह पे सुनिए, आ गया हूं जहां पे बात कर सकता हूं। अरे सवाल ही नहीं पूछने दे रहे हो आप। पूछिए पूछिए, सवाल पूछिए। मैं के हाँ तो मेरे एक मेरा एक सवाल एक दो ये मिनट। है, जी जी मेरा जी जी सवाल पूछिए। ये है कि भाई वाल्मीकि रामायण तो अभी पढ़ी हमने, तो सीता जी के स्तन ताड़फल के समान थे क्या? ये क्या ये मेरा वहां रामायण सवाल में है। लिखा हुआ है? रामायण में हाँ लिखा हुआ है? ये मेरा, हाँ ये लिखा क्या हुआ पढ़ा है, था लिखा आपने? हुआ है, लिखा हुआ है। ये हाँ मेरा सवाल है आपसे देखिए कि सीता जी के स्तन ताड़फल के समान थे क्या? देखिए, जिसने ये ऐसा लिखा हुआ है ना, मैं ये कहता हूँ कि बहुत बहुत गलत लिखा हुआ है, ठीक है? मैं इसका विरोध करता हूँ, मैं उसकी निंदा करता हूं, मैं मैं उसकी निंदा कड़ी करता निंदा हूँ। करता हूं। हाँ मैं वाल्मीकि जी कड़ी निंदा घटिया करता है, वाल्मीकि जी घटिया है, बोलिए। हाँ। अरे नहीं, मैं टीका करने वाले की निंदा करता हूँ ना, मैं उनको अरे कैसे निंदा टीका नहीं, गलत करूंगा? भाई टीका नहीं, लिखा है। संस्कृत में भी लिखा है वही यार। अच्छा चलो, एक छोटी सी, एक मिनट छोटी सी बात करते हैं। आप ना किसी वाल्मीकि छोटी सी, जी और किसी भी वाल्मीकि रामायण की, तुलसीदास की रामायण की रेफरेंस, बिना रेफरेंस के आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि मैंने कोई ना ना वाल्मीकि रामायण पढ़ी है ना तुलसी रामायण पढ़ी है, पर मैंने रामायण के ऊपर पूरी स्टडी की हुई यार है, आप ठीक डे है? काफी स्टडी की हुई है। डे आप मुझे अच्छा डायरेक्ट अच्छा क्वेश्चन पूछिए, गजब श्री रामचंद्र जी यार, जैसे इसलिए पूछिए। गजब आदमी आए हैं हमारे पास। इन्होंने न एक रामायण पढ़ी है, तुलसी रामायण भी नहीं पढ़ी है, वाल्मीकि रामायण भी नहीं पढ़ी, लेकिन इन्होंने रामायण के ऊपर बहुत बहुत किया। गहरी हाँ स्टडी करी क्योंकि इन्होंने। क्योंकि बहुत गजब यार, मेरी बात सुनिए, मेरी गजब बात सुनिए, मेरी गजब बात गजब सुनिए। भाई, मैंने ऐसे मैं युग श्री में कभी रामचंद्र जी का मैं भाई यार, मैं श्री ऐसे कभी रामचंद्र युग में क्यों नहीं मिलते हैं ये, ऐसे बड़े आप युग ऐसा में क्यों बोलो नहीं ना मिलते? सर, सीधा सीधा कि मैंने मैंने रामायण सीरियल कम से कम 100 बार देखा है, ऐसा बोलो। हाँ यार वही ये होती है ऐसा डीप बोलो स्टडी ना, तो। हाँ डीप स्टडी वही होती है ना। मेरे भाई आप अगर कुछ पढ़ के आए हैं, या आप क्या बचाने पे क्या तुले हुए हैं, मतलब कुछ भी, ये लाइव चल रहा है, आपको पता ही है, इसको बाद में कई हजारों लोग सुनेंगे, है ना? आप आपस में बैठे गप्पड़ नहीं लड़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं साहब, आप थोड़ा वो सेंसिबल कौन बातें सी करिए। एडवर्टाइज है न्यूटन जी, जिसमें नो स्मोकिंग के लिए बताया जा रहा है कि एक सिगरेट आपको बहुत 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 बीमार कर सकता है? उसी तरह ऐसी डीप स्टडी आपको बहुत 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 मूर्ख बीमार बना कर सकती है। हाँ नरेश जी, आप समझिए 1000 साल पहले की जो कहानी है उसको आप अपने है जीवन में नरेश आज जी, वैसे उतार रहे पूछ तो हैं। लो, अच्छा है नरेश सर हो आप? नरेश सर यार, ये ताड़फल के बाद से इनकी आवाज बंद हुई है पता है। ये वो वो कह रहे हैं ना, सोच रहे हैं, लेडीज बैठी है, लेडीज वो बैठी हैं भाई, इमेजिन कर रहे फैमिली होंगे। बैठे भाई, डरते अच्छा हैं ये। चलो भाई, बताओ ऐसा सवाल इनके पूछ लेते धार्मिक हैं ग्रंथ जो ऐसे हैं कि घर में भी नहीं पढ़ सकते, ऐसे धार्मिक ग्रंथ हैं इनके। चले गए लगता है ये, इनको बैकस्टेज नहीं कर दीजिए फिर। है, आते हैं वापस, आते अच्छा रहते हैं वो बीच बीच में। बेहोश बेहोश हो गए हैं और कुछ नहीं, अभी ऐसा उनको भी हो होशियार सकता है रहना। न्यूटन सर वो ताड़फल देखने गए हो कि वो कैसा दिखता है। भाई बहुत डीप स्टडी करते हैं ना वो तो। यार यार ये तो हद हो गई, सच बता रहा हूँ, ये तो हद हो गई। हद करते हो यार आप भी। कुछ कुछ लोगों को तो ताड़फल का एक्सपीरियंस ताजा ताजा है ना, तो वो ज्यादा उनको फिर वो रिलेट कर पाएंगे। ये तो
ये तो भाई सीधा पंच मार रहा है, हथौड़ा मार दिया यार भी सर में, हथौड़ा भाई। ये तो ऐसा पंच था ना कि बस इसके बाद तो देखो आवाज चली लोग गई ना, समझ नहीं आवाज पाए, चली गई, नॉकआउट आवाज चली। लोग नहीं समझ पाएंगे, भाई बस बस अब लोग नहीं समझ पाएंगे, बस यहीं से कंफ्यूजन रहने दो भाई। नॉकआउट पंच था भाई। हाँ नॉकआउट पंच था ये तो सीधा भाई नॉकआउट। हाँ जी भाई नरेश सर, आपकी एको तक साउंड वापस हमें लौट के सुनाई दे गई है थोड़ी सी, आपकी आवाज कहाँ गुम हो गई है सर? तुलसीदास ने आपकी जुबान पकड़ के खींच रहे क्या कि नरेश तू गया क्यों इधर डिबेट करने? अरे आप यार तो ले लीजिए, मुझे कुछ भैया, पता नहीं था आपको। मैंने मैंने आपको कहा है कि आप ना, आपको लॉजिकल डिबेट नहीं करनी आती। लॉजिकल होते हैं कि जो उसको दिमाग एक्सेप्ट करता है कि हाँ भाई ये बात हो सकती है। आप क्वेश्चन पूछिए, ये क्या गया, ये क्या चीज है कि एक 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 किताब में ऐसा लिखा हुआ है वो मिल गया, तो आपको किताब में, आपको आप सिर्फ किताब को झूठा साबित करने में लगे हुए हैं कि आपकी धार्मिक किताब झूठी है, किसी ने लिख दिया, ओके जी, ओके लिख बस लिया। कर जा भाई, मेरा बस अच्छा कर चलो जा, अच्छा लॉजिकल चलो, से चलो। हाँ अब हाँ आपसे ना लॉजिकल सवाल पूछते हैं, ठीक है? हाँ पूछिए। अब हम किसी किताब में नहीं जाते, है ना? ठीक हाँ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछिए ना, है, मैं डायरेक्ट जवाब देता क्वेश्चन। हूँ। हाँ हाँ डायरेक्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, ये हाथी चूहा ऊपर कैसे बैठ गया? गणेश की बात कर रहे हो? ये जो सामने हाँ आपको क्या दिख रहा फोटो? गणेश की बात कर रहे हो ना, गणपति की बात कर रहे हो? हाँ जी हाँ ये ऐसे क्वेश्चन पूछने बनते हैं, ये क्या चीज फैक्टर है? अब मैं अब जाता हूँ, हाथी चूहा कैसे बैठ गया है? हाँ अब इस 2 मिनट के लिए शांत, 2 मिनट के लिए मेरा आंसर हाँ सुन लीजिए, उसके बाद अपना जवाब दीजिएगा, दो ठीक है? मिनट के लिए मैं 2 मिनट मौन के लिए, ठीक धारण है, कर आपको से लेते दो हैं। मिनट मांगता हूँ, कोई बात मैं नहीं, और ठीक है। ताड़फल जो देख के हाथी आता और हूँ, जब चूहा तुम्हारा है, जवाब दो। नहीं बेहोश हो जाओगे। हाँ यार किधर जा रही है, किधर जा रहा है भाई? लॉजिक में इतना टाइम लगता है लॉजिक सोचने में यार, यार तुम चुप किधर गए? करोगे अभी बीच, ठीक है, हाथी और चूहा आजाद जो आप है, मेरे रूम में हाथी डिस्टर्ब कर सर रहे हो आपको भाई, याद दिला आजाद दूं? जाओ, आजाद अगर आप ताड़फल देख के आपको, आओ, वो जब तक जवाब दे रहे हैं। हाँ 1 मिनट, चलिए मैं और सर जाता हूँ। आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए ना, आप तो स्पिरिचुअल स्टडी वाले हो, आपको तो हमेशा मन पे शांति होनी चाहिए। जैसे वो कौन सी गेम थी, वो सेक्रेट गेम्स, उसमें जो वो गुरुजी बोलता है ना, तुम आत्मा के साथ संभोग करो, तुम्हें तो शांति होनी चाहिए नरेश जी। हाँ नरेश भाई ये बताओ, इसको एक्सप्लेन कर रहे थे आप। यार नरेश भाई बीच बीच में जाते कहाँ हैं यार? क्या क्या देखने हैं, क्या 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 है यार शिवलिंग को नरेश, सहलाना नरेश भैया, मैनेजर, नरेश चलिए इनको भैया जाने दीजिए, अब लगता है ये कट करते जा रहे हैं बीच बीच में। यार, यार ये कोई बात नहीं हुई नरेश भैया यार, लॉजिकल पे आए तो यार आप चुप हो गए यार, गलत बात है ये भाई, बहुत ही ये गलत लोग बात क्या लिख रहे हैं यार, ताड़ फल खाने गए, ताड़ फल खाना नहीं है भाई, खाना नहीं है उसे। यार। भैया नरेश, ओ मोरो भैया नरेश, किधर गयो यार तबला वाला? यार ढोलक मदिरा बजा दे भाई। यार मैंने पूरी उपनिषद की किताब खोल के रखी है, मैंने सोचा चलो एक पहली बार अच्छा बंदा आया है, स्पिरिचुअलिटी पे बात करते हैं, मतलब मैंने बहुत सारे पेजेस टैग करके रख दिए, सोचा एक के बाद एक रेफरेंस देंगे उनको।